हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स टीना, और जो पहली बार देख रहे हैं, वेलकम टू माय चैनल एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आज का टॉपिक है वो इस बारे में है कि जब आप अपने पेरेंट्स को अपने रिलेशनशिप के बारे में बताएंगे तो उनका रिएक्शन क्या होगा। सो जो ऑब्वियसली लव लाइफ में है या फिर उनको लगता है कि कल को उनका अफेयर हो सकता है तो उनका आपके पेरेंट्स का रिएक्शन क्या होगा। तो यू कैन वॉच दिस वीडियो एंड अपने उन फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना जिनको लाइक इस चीज़ की ज़रूरत है जानने की कि आपके पेरेंट्स उनके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन होने वाला है। प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो। एंड यहाँ पर एक ज़रूरी बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ ये है कि फ्री रीडिंग क्लोज़ हो चुकी है, लेकिन अनलिमिटेड रीडिंग्स वाला सेशन अभी भी है। तो आप अनलिमिटेड सेशन बुक कर सकते हैं, 40 मिनट्स के लिए होगा। एंड मेल करिए, इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करिए एंड बुक कर लीजिए अपनी रीडिंग्स। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। मैं बता दूँ, ये पाइल नंबर 1, ये 2 एंड ये 3, ये 4। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हेलो पाइल नंबर 1, आपके लिए मैं बता दूँ कि आपको काफ़ी टाइम से इंतज़ार है। आप अपने पेरेंट्स को बताने का सही टाइम ढूंढ रहे हैं। आप उनको मतलब कब बताएं, आप उसके बारे में सोच रहे हो और आपको एक सही टाइम चाहिए जब आप उनको बता सको ये बात। तो सही टाइम तो डेफिनेटली यहाँ पर आ ही जाएगा। आपको काफ़ी चीज़ के लिए डिप्रेशन है, एंजाइटी होती है, आपको लगता है कि ओ माय गॉड कहीं वो मना ना कर दे। लेकिन आपकी जो इंट्यूशन है वो बहुत स्ट्रांग होगी। आपको लगता है कि आपको यही पर्सन आपके लिए परफेक्ट है, आपको इन्हीं से शादी करनी है। अगर आपकी यही इंट्यूशन है आपके पर्सन के बारे में और आप काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे हो अपने पेरेंट्स को बताने का, सही टाइम का वेट कर रहे हो, तो मैं आपको बता दूँ कि जब आप अपने पेरेंट्स को बताओगे या बता भी चुके होंगे तो ऑब्वियसली उन्होंने मना कर दिया होगा। उनको लग रहा होगा कि ये पर्सन ठीक नहीं है, हो सकता है इंटरकास्ट हो या फिर स्टेटस मैच नहीं कर रहा हो सकता है वो काफ़ी मतलब एक स्टेटस में या फिर आपकी कास्ट में काफ़ी अंतर है, आपके बीच में डिफरेंसेस हैं फैमिली के बीच में, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो लेकिन जो ये आपका रिलेशनशिप है उसके बारे में मैं एक बात बोल सकती हूँ, ये गाइडेड रिलेशनशिप है। आप दोनों की शादी एक दूसरे से ही होगी, तो आपके पेरेंट्स धीरे धीरे टाइम लेंगे लेकिन मान जाएंगे। हो सकता है एक दो साल लगा दें वो, लेकिन ये आपकी गलती है, आपके पेरेंट्स की गलती नहीं है। आप जितना ज़्यादा उनको मनाएंगे ना, जितना मतलब ऐसा नहीं कह रही कि मैं आप रिबेल हो जाओ, लेकिन आप जितना ज़्यादा प्यार से उनको कॉन्स्टेंटली मनाते रहोगे ना, वो उतने ही जल्दी मानेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट 2 साल मैक्सिमम है, उसके बाद वो मान ही जाने चाहिए। अगर उससे भी ज़्यादा टाइम ले रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी कोशिश में बहुत भारी कमी है, क्योंकि ये रिलेशनशिप डेफिनेटली गाइडेड है। उस पर्सन से आपकी शादी होनी चाहिए, होके रहेगी, लेकिन आप ही उसको डिले करते होगे अगर आप नहीं मनाओगे। तो काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप वेट कर रहे हो कि नहीं अपने आप ही हो जाएगा या ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बार बार अपने पेरेंट्स को टाइम देते जा रहे हो कि चल ठीक है, आप 6 महीने में करवा देना, आप साल में करवा देना, अब यहाँ करा देना, वहाँ करा देना, ऐसे ऐसे करके कुछ ना कुछ मतलब टालते रहते हो बार बार। इस चीज़ को फेस नहीं कर पा रही क्योंकि आपको डर लगता है आपके पेरेंट्स से कि कहीं वो मना ना कर दे या कहीं लड़ाई झगड़े ना हो जाए, कहीं कुछ प्रॉब्लम्स ना हो जाए ज़्यादा। तो मैं आपको बता दूँ कि कुछ भी प्रॉब्लम्स होगी तो उनका सोल्यूशन निकल जाएगा। फियर आपके दिमाग में ज़्यादा है, पेरेंट्स उतना ज़्यादा तमाशा नहीं करेंगे जितना तमाशा आपने सोच के बैठे हुए हो अपने दिमाग में। लेकिन कुछ केसेस में हो सकता है कि तमाशा आप ऑलरेडी देख चुके होंगे, बट मेरे को यहाँ पे लग रहा है कि आपके दिमाग का खेल है, कोई रियल में इतना होने नहीं वाला। लेकिन जब आप उनको बताओगे, उनका पहला रिएक्शन तो नहीं ही होगा कि वो नहीं करवाएंगे इस पर्सन शादी, लेकिन इवेंचुअली करवा देंगे और आपकी पर्सन इसी पर्सन से शादी होगी, पेरेंट्स की मर्ज़ी से होगी, काफ़ी वेट करना पड़ेगा लेकिन हो जाएगी। सो इट्स अ गुड न्यूज़। वेट करके होए, लड़ाई करके होए, झगड़ा करके होए, कैसे भी होए, हो तो रही है ना, और पेरेंट्स की मर्जी से हो रही है, दिस इज़ द बेस्ट पार्ट। सो दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर पाइल नंबर 1। आई होप आपको ये सुन के बहुत खुशी मिली होगी। एंड यहाँ पे मैं एक आप बताना चाहती हूँ कि ऑफर चल रहा है, अनलिमिटेड सेशन है, अनलिमिटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप 40 मिनट्स के लिए। वो सेशन बुक कर लीजिए एंड क्वेश्चन पूछ लीजिए, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, थैंक्स अ लॉट। सो हेलो पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 के लिए मुझे ना काफ़ी एक अजीब सी चीज़ दिखाई दी है। हो सकता है कि जो आपके पेरेंट्स हैं ना, वो ये रिश्ता खुद ही आपकी तरफ लेके आए, या फिर हो सकता है कोई फैमिली फ्रेंड ये रिश्ता बता दे आपको। तो एक होता नहीं है कि आप इस पर्सन को पसंद तो करते हो, लेकिन कोई फैमिली की तरफ से या कोई आपके नोन है फैमिली में जो इस रिश्ते को ना खुद ही आपके पेरेंट्स के सामने ऐसे प्रेजेंट करे कि ये अरेंज मैरिज है, एंड देन आपके घर वाले एकदम से मान जाए क्योंकि फाइनेंशियली स्टेबिलिटी है, एवरीथिंग इज़ देयर, लड़का अच्छी जॉब पे है, आप अच्छे जॉब पे हो, सब कुछ परफेक्ट है, ऑलरेडी स्टेटस मैच कर रहा है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, अपने आप ही सारी चीज़ें बन जाएगी। और मुझे यहाँ पे लग भी नहीं रहा कि आपको कोई डाउट भी है कि ये चीज़ें बनेगी नहीं बनेगी, आपको सब कुछ पता है कि हो जाएगा अपने आप ही।
कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अरेंज मैरिज में आपको कोई रिश्ता आया हो एंड देन आपको उससे प्यार हो गया हो बहुत ज़्यादा और आपने सोच लिया हो कि आपको उसी से शादी करनी है, ये चीज़ सिनारियो भी हो सकता है। बट बाकी यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि जो पाइल नंबर 2 वाले पर्सन हैं, जब वो अपने पेरेंट्स से बात करेंगे तो आप उनके पेरेंट्स हैं वो पक्का मान जाएंगे, बहुत ज़्यादा उनको पसंद आ जाएगा, वो एक बार में मान जाएंगे चुटके बजाते ही। मतलब आप अगर उनको आज जाके बोलोगे ना, वो आज जाके मान जाएंगे सीरियसली, उनको ये रिश्ता बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, उनको लगेगा कि आपने पहले क्यों नहीं बताया अगर आपको ये पसंद था तो। आपकी फैमिली मुझे कंजर्वेटिव लग भी नहीं रही इस मामले में, मुझे लग रहा है वो बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड है कि हाँ बच्चों की शादी करा देनी चाहिए जहाँ पे वो करना चाहते हैं। सो इट्स वेरी गुड फॉर यू एंड योर फैमिली इज़ क्वाइट ओपन माइंडेड अबाउट दिस काइंड ऑफ थिंग कि लाइक लव मैरिज होनी चाहिए या फिर मैरिज बच्चों की पसंद की होनी चाहिए। तो उनको रिश्ता बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं ना, उनको आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। आपके पेरेंट्स के लिए आपकी खुशी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड दे विल लव दिस रिश्ता सीरियसली। उनको तो लगेगा कि हाँ इतना अच्छा तो हम भी नहीं ढूंढ सकते और हमारे लिए ज़्यादा मैटर करता है कि तुम लोग खुश रहो। सो बहुत ज़्यादा आपको पॉजिटिव न्यूज़ मिलने वाली है, गुड न्यूज़ मिलने वाली है। शायद आप ये फाइल भी ऐसे ही देख रहे हैं, आपको पता ही है कि आपके पेरेंट्स ऐसा ही करने वाले हैं और अगर थोड़ा बहुत डाउट है तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, डेफिनेटली आपके पेरेंट्स इस शादी के लिए मान जाएंगे एंड वो शादी खुद करवाएंगे, ऑब्वियसली बहुत धूमधाम से करवाएंगे। आपका रिलेशनशिप तो बहुत ही लाइक पास्ट लाइफ का से भी रिलेटेड है, पास्ट में भी आप एक दूसरे के साथ ही थे, इस जन्म में भी आप एक दूसरे के साथ ही है। So it's a good thing and it's so great, बहुत positive reading आई है, I'm so happy for file number 2। And किसी को कोई doubt है तो please आप unlimited session ले सकते हैं, unlimited session है, जितने मर्जी चाहे आप question पूछ सकते हैं 40 minutes के लिए। And और थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने अपने पेरेंट्स को बता दिया है या नहीं बताया है या फिर क्या प्लान कर रहे हो आप इस बारे में। सो प्लीज़ बताना, आई वेट एंड रीड योर कमेंट्स कि क्या रहा आपका। So thanks for watching. So hello pile number 3. So pile number 3 जो लोग देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आपका ब्रेकअप हो चुका है, पेरेंट्स माने नहीं है और आप दोनों एक दूसरे से यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पेरेंट्स एक दूसरे मतलब आपके रिश्ते के लिए माने नहीं तो इसकी वजह से आप दोनों अलग हो चुके हैं। आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, काफ़ी परेशान हैं, आप कोशिश कर रहे हैं पेरेंट्स को मनाने की, डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा है लेकिन आपके पेरेंट्स ठान चुके हैं कि वो नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे कभी नहीं मानेंगे, मतलब वो जान से मार दें आपको लेकिन वो शादी नहीं करवाएंगे। यहाँ तक इतनी बुरे हालात हैं एंड आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो। यहाँ पर बहुत ही रेयर चांस है कि आप लोग भाग के शादी कर लो, बहुत ही रेयर चांस है टू बी ऑनेस्ट। आप नहीं करोगे, आप वहीं करोगे जहाँ पे आपके पेरेंट्स करवाएंगे, पर आपके पेरेंट्स नहीं मानने वाले एंड आई एम सॉरी और मुझे बहुत दुख हो रहा है ये देख के कि आपके पेरेंट्स इतने ज़्यादा कंजर्वेटिव हैं और वो नहीं मानने वाले, उनके लिए ज़्यादा मैटर करता है सोसाइटी क्या कहेगी। बट वट एवर द रीज़न इज, यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स फॉर श्योर। काफ़ी ज़्यादा मतलब हैवी है ये पाइल मेरे लिए, इसको एक्सप्लेन करना इट्स क्वाइट हैवी बिकॉज यहाँ पे मुझे बिल्कुल एक मतलब ऑब्वियसली जब आप किसी इंसान को पसंद करते हो और आंसर नो हो कि आपके पेरेंट्स नहीं मानेंगे और आपके को उस चीज़ की वजह से अलग होना पड़ेगा तो ये चीज़ कहना किसी को बहुत मुश्किल है, जो कि मैं ऑलरेडी वैसे कह चुकी हूँ। बट आपको इसमें डिप्रेशन में नहीं रहना चाहिए, मुझे ये लगता है फियर आपके दिमाग में बहुत बहुत ज़्यादा है इस चीज़ को लेके, आपको लगता है आप उस पर्सन के बिना रह नहीं सकते हो। बट द पॉइंट इज, देखिए जो भी आपको ठीक लगे आप वो करना चाहिए आपको, पर यहाँ पे मुझे नहीं लगता आपके पेरेंट्स मानेंगे क्योंकि मैं इस वाली रीडिंग को ज़्यादा नहीं खींचना चाहती क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव लग रही है एंड आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट मोर। सो मैं यही बोल के एंड करना चाहती हूँ कि यहाँ पे आपके पेरेंट्स मानने नहीं वाले हैं आपके लिए, आई एम सॉरी फॉर दैट। एंड यहाँ पर अनलिमिटेड सेशन है एक चल रहा है, अनलिमिटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप मुझसे उस सेशन को बुक करने के बाद, और बुक करने के बाद अनलिमिटेड सेशन तो कर ही सकते हैं और 40 मिनट्स का वो सेशन होगा। उसके अलावा न्यू मून आ रहा है 19 अगस्त को तो उसके लिए आप जल्दी से बुक कर लीजिए, आज ही बुक कर लीजिए सो दैट आप रिचुअल सीख सके। रिचुअल सीख के होता ही है कि विश फुलफिलमेंट का रिचुअल है, तो कोई ऐसी विश है जो आपकी, जो आपको लगता है कि आपको चाहिए हर हाल में पूरी करनी है, तो उसके लिए आप न्यू मून रिचुअल कर सकते हैं एंड विच इज़ वेरी बेनिफिशियल। तो उसके लिए भी आपको मुझे मेल करना है और इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है एंड गो फॉर इट एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो हेलो पाइल नंबर 4,
आज काफी कमाल हो गया है, मतलब जो रीडिंग आई है वो इतनी डिफरेंट है सारी पाइल्स एक दूसरे से, मतलब किसी का आंसर दूसरे से मैच नहीं कर रहा है, विच इज ग्रेट। एनीवेज द पॉइंट इज, जबकि आंसर दो ही हो सकते हैं कि या तो आपके पेरेंट्स मानेंगे या नहीं मानेंगे, बट स्टिल आंसर किसी से मैच नहीं कर रहा चार पाइल्स में। सो यहाँ पे देख लेते हैं, तो पाइल नंबर 4 काफी इंटरेस्टिंग आपकी पाइल आई है। यहाँ पे पहले तो मैं बता दूं, आपका ब्रेकअप हो चुका होगा, आप सेपरेशन में ऑलरेडी, और आपको ये लग रहा है कि यार हमारी खुद की तो बन नहीं रही, पेरेंट्स क्या कर लेंगे, उनसे पूछने की नौबत ही नहीं आ रही हमारे बीच में, तो उनसे तो तब पूछते ना जब हमारी खुद की कुछ सेटिंग बैठती। तो आपके दिमाग में ये चीज़ है, विच इज़ वंडरफुल। हो सकता है आपने अपने पेरेंट्स को बता रखा हो पहले से और वो भी नहीं तैयार हो इस रिश्ते के लिए, लेकिन आपका इवेंचुअली रिश्ता टूट गया। हो सकता है आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हों, मुझे वो ज़्यादा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई या कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। हो सकता है पेरेंट्स का भी प्रेशर था, ऐसा बात नहीं है कि पेरेंट्स की वजह से कुछ नहीं हुआ, पेरेंट्स की वजह से भी हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ जाती थी, आपको कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं दिखा कभी भी, तो जिसकी वजह से आपके काफ़ी झगड़े हुए, लड़ाइयाँ हुई, एंड फाइनली ये रिश्ता ख़त्म हो गया है, सेपरेशन में हो गया। बात होती होगी आपसी, क्योंकि आप काफ़ी अच्छे फ्रेंड भी हो, मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे फ्रेंड्स थे, काफ़ी टाइम से एक दूसरे को जानते थे, काफ़ी लंबा रिलेशनशिप रहा है आपका, 4-5 साल से ज़्यादा रहा है, 4-5 साल मिनिमम इतना रिलेशनशिप आपका रहा है, एंड काफ़ी ज़्यादा आपको सुसाइडल थॉट्स भी आते थे, आई एम सॉरी टू से दैट, बट आपको काफ़ी ऐसा लगा जब सेपरेशन हो गया कि मर जाना चाहिए, जीने का फायदा नहीं है, उस पर्सन के बिना मैं रह नहीं सकती। आप काफ़ी स्टक हो अभी भी उसी पर्सन के साथ, आपको उनके अलावा और कोई अच्छा नहीं लगता, आपको ऐसा लगता है आपको उनसे अच्छा कोई मिल नहीं सकता। स्टिल आपकी बातें होती हैं ना, आपको लगता है वही पर्सन सोलमेट है, पर पता नहीं हम अलग कैसे हो गए, आई एम सॉरी अगर मैं बहुत ज़्यादा फास्ट बोल रही हूँ तो, बट दैट इज़ द वे आई टॉक, आई ऑलवेज टॉक वेरी फास्टली, आई डोंट नो वाई, जबकि मैं एक टीचर भी हूँ तो मुझे बहुत आराम से समझाना पड़ता है, एंड यहाँ पर भी मेरा काम वही है कि मैं आराम से समझाऊँ, बट स्टिल आई टॉक वेरी फास्टली। सो अभी मुझे ध्यान आ गया तो मैं थोड़ा धीरे समझाती हूँ। सो यहाँ पर हो क्या रहा है कि आपको लगता है कि ये पर्सन ही सब कुछ है, और आपको उनके बिना सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं, आपको मरने का मन करता है, आपको ऐसा लगता है आप जी नहीं पाएंगे। कुछ लोग हैं जो सुसाइडल थॉट्स अगर नहीं भी आ रहे तो भी आपको ऐसा हल्का सा लगता है कि यार शायद मर के तकलीफ कम हो सकती है। मरना नहीं चाहते आप, डेफिनेटली मरना नहीं चाहते, ना मरने वाले हो, लेकिन सैडनेस बहुत ज़्यादा है, आपके ड्रीम्स पूरे नहीं हुए जो आप लोगों ने साथ में दिखे थे, वो ड्रीम्स नहीं पूरे हुए बिल्कुल भी, आपको ऐसा लग रहा था कि ओ माय गॉड इतना सब कुछ करने के बाद ऐसे कैसे हो सकता है। कुछ लोगों के लिए तो बहुत लंबा रिश्ता है, 10-15 साल पुराना रिश्ता है, काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी, और जैसे यहाँ पे 5 of Wands दिख रहा है ना कि चैलेंजेस आए, राइवलरी, आपको हो सकता है कि आपको सिर्फ ये लगता हो कि अनबन आप दोनों के बीच में थी, लेकिन ये अनबन करवाने वाले आपके डेफिनेटली फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ये सब थे, सब हर कोई रीज़न था इस रिश्ते के ख़त्म होने के पीछे, सिर्फ आपकी गलती नहीं है, सिर्फ आपके पर्सन की गलती नहीं है, आपका ब्रेन वॉश किया गया है, आपके पर्सन का ब्रेन वॉश किया गया है, आपको कभी रियलाइज नहीं हुआ क्योंकि आपका रिश्ता इतना लंबा था, आप दोनों को एक दूसरे के इतना ट्रस्ट था, आपको लगता था आप कभी किसी की बातों में नहीं आने वाले, आपके पर्सन इतने लॉयल है वो कभी किसी की बातों में नहीं आने वाले, लेकिन इवेंचुअली चीज़ें इतनी ज़्यादा सफोकेटिंग हो गई कि ये एंड आ गया, समहाउ इट केम इन टू योर लाइफ एंड ये एंडिंग हो गई कहीं ना कहीं, और आपको अब लगता भी नहीं कि जरूरत है कि पेरेंट्स से बात करें, बट स्टिल यू आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड यू स्टिल थिंक दिस पर्सन इज योर सोलमेट एंड वाई दिस इज हैपनिंग एंड दैट्स वाई यू नीड दिस आंसर, दैट्स वाई आप ये वीडियो देख रहे हैं, अदरवाइज पेरेंट्स से तो बात करने की कंडीशन में आप अभी हो भी नहीं जो पाइल नंबर 4 देख रहे हैं। तो आगे का मैं बता देती हूँ, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आया, तो डेफिनेटली आपकी किस्मत चेंज होने वाली है और ये पर्सन से आपकी शादी होगी, पेरेंट्स का तो सवाल ही नहीं उठता। आपके पहले दिमाग में भी यही था कि आपको शादी करनी है, उसके लिए आप और आपके पार्टनर तैयार होने चाहिए, और शायद यही एक थोड़ी सी मिस्टेक है, क्योंकि आपके जो पेरेंट्स हैं ना उनके अंदर इतनी स्ट्रांग इंट्यूशन वाली पावर है, इंट्यूटिव पावर है, एक होता नहीं है पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स खाली नहीं जाती, उस तरह से वो ये नहीं चाहते थे आप दोनों की शादी हुई, तो उनकी जो एक वो थी ना नेगेटिव वाइब्स, उसकी वजह से भी ये रिश्ता टूटा है। इट्स नॉट बिकॉज कि आप लोगों का दिमाग खराब था और आप दोनों एक दूसरे से झगड़ा करते रहते थे, नहीं वो चाहते नहीं थे इसलिए भी ये रिश्ता टूटा है। आपकी खुद की भी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग होगी एंड आपके पेरेंट्स की तो डेफिनेटली है ही है, तो वो भी नहीं चाहते थे, लेकिन अभी जैसे आपके पेरेंट्स वगैरह शांत है ना कि हाँ ये उस पर्सन की बात नहीं करती या उससे अपने आप ही पिक्चर छूट गया, तो ये अनएक्सपेक्टेडली होने वाला है आपके लिए, इट विल केम ट्रू फॉर देम एंड ट्रू फॉर यू, एंड आपके पेरेंट्स को फिर से शॉक लगने वाला है। लेकिन जिससे पहले कि आपके पेरेंट्स को शॉक लगे या फिर वो दोबारा से ऐसे सोचे कि यार क्या करना है क्या नहीं करना, इस बार उनकी थिंकिंग एक्चुअली चेंज हो जाएगी, वो यही सोचेंगे कि ठीक है जब इनको इतना सारा हर्डल्स देख लें, इतना सारा टाइम एक दूसरे के साथ निकाल लिया है,
तो चलो फाइनली इनकी शादी करा देते हैं। तो वो मान जाएंगी डेफिनेटली, अभी भी आपके ऊपर डिपेंड करता है उनको मनाना, पर वो मान जाएंगे और ये एक हैप्पी मैरिज होगी नो डाउट। बहुत ज़्यादा आपको खुश रखेंगे, आपके पार्टनर काफ़ी अच्छा रहेगा सब कुछ, और डेफिनेटली यहाँ पर टाइम चेंज होने वाला है। सो यदि आपकी रीडिंग आपके पेरेंट्स का हाँ हो जाएगी, मना ही लेंगे आप उनको। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि न्यू मून आ रहा है 19 अगस्त को, तो उसके लिए न्यू मून रिचुअल सीख लीजिए जिससे आप विश फुलफिलमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप यू रियली वॉन्ट टू मैनिफेस्ट योर एक्स बैक जो कि यहाँ पे दिख रहा है, तो आप उसके लिए भी ये कर सकते हैं, पेरेंट्स को मनाने के लिए भी कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई हो सकता है। सो यू कैन डू दैट एंड यू कैन लर्न दैट, एंड उसके लिए आपको बस यही करना है कि आपको मुझे मेल करना है या इंस्टाग्राम पे डीएम करना है सो दैट आपकी सेशन बुक हो जाए। उसके अलावा अनलिमिटेड सेशन भी चल रहा है स्टिल, दैट इज़ गोइंग ऑन माय चैनल वेरी मच, एंड उसको आप बुक कर सकते हो। 40 मिनट्स में आप जितने मर्जी चाहे क्वेश्चन उससे मुझसे पूछ सकते हैं एंड मैं उनको आंसर करूँगी। सो दिस इज़ योर थिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के जाएं कि आपकी लव स्टोरी में फ़िलहाल क्या चल रहा है, पेरेंट्स को बता दिया है या नहीं बताया है, ज़रूर लिख के जाएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।